दोस्तों मार्केट में बहुत सारी मोटर कंपनियां अवेलेबल है, उषा है, लूबी है, क्रोमटन है, किर्लोस्कर है, लेकिन ये जो किर्लोस्कर है वो इंडिया की नंबर वन मोटर कंपनी है। तो मैंने इस पे भरोसा किया है और मैं आज इसको ये मोटर को यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से। तो ये बहुत ही अच्छी मोटर है और 5 स्टार है और पावर सेविंग बहुत बहुत अच्छे से पावर सेविंग करती है। ये किर्लोस्कर का लोगो है, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। तो ये सबमर्सिबल पंप है ऑयल वेल में, इस जिसे मैंने पानी का टंकी के अंदर अंडर डाला हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रजिस्टर योर वारंटी, इसका वारंटी भी है, 1 साल का इसका वारंटी है। तो सबसे पहले मैं बॉक्स को दिखा देता हूँ। स्टेनलेस स्टील का बॉडी है, हैवी बॉडी है, CEE, इसका वाइड रेंज वोल्टेज सेविंग, पावर सेविंग बहुत अच्छे से करता है और ओरिजिनल बारकोड के साथ ये आता है। और यहाँ पे भी दिखा हुआ है 1 साल 12 मंथ वारंटी, ओवर 125 ईयर्स इंजीनियरिंग क्लियर, मतलब 125 साल पुरानी ये किर्लोस्कर कंपनी है। तो भरोसेमंद कंपनी है, तो मैं तो बोलता हूँ इसी किर्लोस्कर कंपनी की ही आप मोटर ले। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेक हाइट, दिस साइड अप, ये तो बॉक्स के बारे में लिखा हुआ है। और ये मॉडल है तो KOSI 0520, ये इसका मॉडल नंबर है। साइज है 25x25 हेड, 14.8 डिस्चार्ज, 1.3 वोल्टेज, 220 पावर, 0.37 to 0.5 फेस, 1 फेस, ये सिंगल फेस पे चलेगी। और टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, तो मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और ये किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड और ये बनी है महाराष्ट्र में, ये कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, ये सब मोटर जो किर्लोस्कर कंपनी बनाती है, तो पसंद आपकी है। और ये सबमिशर पंप है जो बोरिंग के अंदर डाला जाता है वो है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर मोटर है पानी के अंदर, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो देखिए, वो रही अपनी किर्लोस्कर की मोटर जो पानी के अंदर है और पानी के अंदर ही चलती है, सबमिसेबल मोटर। तो यहाँ से पानी आता है और यहाँ से मैं अपने घर के ऊपर टंकी में डालता हूँ। तो अभी मैं मोटर आपको निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो बॉर्ड है वो भी हम लोग को मोटर के साथ फ्री में मिलता है, तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। और यहाँ पे भी देखिए किर्लोस्कर कंपनी का लोगो है, और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, ये इंडिकेटर लाइट है, और इसका कैपेसिटी है वोल्टेज का 240 वोल्ट से 415 वोल्ट, मतलब 415 वोल्ट मैक्सिमम इसमें हम लोग पावर इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड। और ये बोर्ड को देख लीजिए, भी ओरिजिनल बारकोड के साथ है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका जो वायरिंग है वो हम लोगों ने कर दिया है, और ये कैपेसिटर के साथ ही अंदर आता है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। तो ये है अपना किर्लोस्कर कंपनी का सबमर्सिबल पंप। अभी इसको हम लोग ये पूरा रस्ट निकालेंगे। अभी ये स्टेनलेस स्टील का पार्ट है, उसको भी हम लोग चकाचक करेंगे, तो पूरी मोटर को एकदम नया करके फिर इसे पानी में डालेंगे। तो इसे मैंने यहाँ से अभी निकाला था, ये पानी में से अभी मैंने इसको निकाला है। और देखिए मैं इसको न्यू करने के लिए मैं इसको एसिड का इस्तेमाल करूँगा। इसका पूरा रस्ट निकालने के बाद मैं इसमें पेंट करूँगा। तो ये है पेंट का डब्बा, ब्लैक कलर का है। देखिए अभी मैं इसको एसिड लगा रहा हूँ। देखो एसिड लगाने के बाद उसका का जो रस्टी पार्ट है वो रिमूव होना चालू हो गया। थोड़ा सा धुआं आएगा, इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। अभी मैं एक ब्रश का इस्तेमाल करूँगा। देखिए अपना मोटर चभी
चकाचक होना चालू हो गया। देखिए ये 5 स्टार है, ठीक है, पूरा पावर सेविंग मोटर है, मतलब ये 5 स्टार मतलब पावर सेविंग ज़्यादा करेगा। तो आप कभी भी लो 5 स्टार सबमर्सिबल पंप लो। अभी हम लोग ये जो बर्तन मांजने वाला जो स्टेनलेस स्टील का जो जाली है इसका इस्तेमाल करेंगे जंक निकालने के लिए। तो पूरा रस्ट निकाल के ही देखिए यहाँ पूरा रस्ट निकल गया, तो पूरा चकाचक करके ही हम लोग इसको पेंट करेंगे। अभी अपनी मोटर जो है एकदम चकाचक हो गई है, ये देखिए चारों तरफ से, मैं इसको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो नीचे प्लाई थी वो मैंने निकाल दी है, अभी इसको थोड़ा सूखने के बाद हम लोग इसको पेंट करेंगे। तो दोस्तों अपनी मोटर का पानी पूरा सूख गया है बाहर का, अभी हम लोग इसको पेंट करते हैं। तो ये एशियन पेंट का है कलर, शाइनिंग पेंट है ब्लैक। तो दोस्तों फाइनली मोटर का पेंट हो गया है, ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा जो ब्रश में जो लगा हुआ है वो स्टेनलेस स्टील का पार्ट पे लगेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी मोटर एकदम चकाचक हो गई है। ये देखिए अभी इसको सूखने के बाद, ये पूरी सूखने के बाद, कलर सूखने के बाद हम लोग इसको पानी में उतारेंगे। अभी मैं ये मोटर पानी में डाल के दिखाऊंगा और चालू करके दिखाऊंगा, तो चलिए हम उसको पानी में डालते हैं। ये चली गई अपनी मोटर पानी के अंदर। चलिए अभी मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ, देखते हैं कितना फोर्स से यहाँ पे पानी बाहर आता है। अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये देखिए इसका फोर्स, देखिए पानी का, मोटर का फोर्स देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स है। और 300 लीटर की जो टंकी है उसे भरने के लिए इसको सिर्फ 2 मिनट लगता है। तो दोस्तों वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।